रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का ये मेथड है परचेज एज ए इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ओन डिबेंचर है जिनको हम परचेज कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। तो जब हम ओन डिबेंचर परचेज करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट तब वो वर्क करते हैं एज एन एसेट। इसका मतलब है कि आप एक एसेट को प्रॉपर वे से परचेज कर रहे हैं। जैसे ही आप एसेट को परचेज करते हैं तब इससे टू ऑप्शंस निकल करके आते हैं। एक ऑप्शन आपके पास रहता है इमीडिएट कैंसिलेशन और एक होता है एज ए इन्वेस्टमेंट। दोनों ही टर्मोलॉजी एक ही जैसे यूज करी जाती है। अभी इसकी एंट्री के ऊपर भी बात करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि इसमें करना क्या होता है। इस जगह पर जब हम इमीडिएट कैंसिलेशन करते हैं तो इमीडिएट कैंसिलेशन का मतलब है कि डिबेंचर्स जो आपके हैं उनको आपने परचेज करा और परचेज करते ही कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्रॉफिट होता है या तो हमारे पास लॉस आता है। अगर प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और अगर लॉस ऐसी कंडीशन में आता है तब इसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ले जाते हैं जहां से हम इसको राइट ऑफ करते हैं। तो इस कंडीशन में जब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है तो हम लोग टर्म यूज करते हैं ट्रांसफर होना, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जाता है तो इसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिटर्न ऑफ होना। ये टर्म है कि जब आप इमीडिएट कैंसिलेशन करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज ए इन्वेस्टमेंट है इन ओन डिबेंचर। तो यहां से हम टॉपिक कवर अप करते हैं और डिफरेंस दोनों को लेकर के सीखते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली हेड एक ही है जो कि ओन डिबेंचर का पार्ट है। तो यहां पर जब एज ए इन्वेस्टमेंट वर्क कर रहे हैं तो एज ए इन्वेस्टमेंट वर्क करने की वजह क्या होती है और इससे क्या क्या चीजें बनती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों कर रही है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट सेव करना है। तो ये इंटरेस्ट सेविंग का पार्ट हो गया। तो अगर इंटरेस्ट सेव करना है तो इसका मतलब हुआ कि अकाउंटिंग करते समय इंटरेस्ट की भी आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। अनदर थिंग, कंपनी इसको रीसेल करेगी। एक पर्पज ये हो सकता है, रीसेल होने का मतलब है कि अपने ओन डिबेंचर्स को टच ही नहीं किया, जो बैलेंस शीट में डिबेंचर्स आ रहे हैं उनको टच नहीं किया जाएगा, जिनको परचेज किया था उन्हीं को ही मार्केट में सेल कर देना। तो जब हम इनको मार्केट में बेटा सेल करेंगे तो सेल करने पर टू कंडीशन जनरेट हो सकती हैं, या तो हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा या तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको पता है कि जब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो आपको मैं तुरंत आएगा सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि देख लीजिए कि जब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो हम कैपिटल रिजर्व टर्मोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिए कि क्या हो सकता है। जब आप बेटा इमीडिएट कैंसिलेशन कर रहे हैं तब ये कैपिटल नेचर का कंटेंट है और कैपिटल नेचर में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अब यहां पर जब आप एज एसेट इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस हो जाएगा कि आपने आप बिजनेस किया, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, कुछ पीरियड में ही आप इसको रीसेल कर देते हो। तो इस प्रॉफिट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, यहां पर आपको ये ध्यान देना चाहिए। तो क्या सर हम लोग इसको रट लें? आपके दिमाग में तुरंत आएगा रट लें, समझ लें कि प्रॉफिट जब आप रीसेल के टाइम पर कर रहे हैं ओन डिबेंचर्स को तो आप इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये पोर्शन हो गया आपका रीसेल का। थर्ड ऑप्शन होता है कि हमने जिनको परचेज किया है उनको हम कैंसिल कर दें। मोस्टली एग्जामिनेशन में इन्हीं दोनों ही पोर्शन से क्वेश्चन होते हैं। अभी थ्योरी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ी ज्यादा हो रही है, प्रैक्टिकल करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन के टाइम पर भी टू सेगमेंट होते हैं, एक हमारे पास प्रॉफिट होता है और एक हमारे पास लॉस हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर प्रॉफिट है देन यूज द वर्ड प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और ये प्रॉफिट देख तो बिल्कुल वैसे ही होता है कैंसिलेशन का जैसे आप इमीडिएट कैंसिलेशन में करते हो। तो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए या रिटेन करके कैंसिलेशन के केस में ट्रीटमेंट एक ही जैसा होगा। यहाँ का जो प्रॉफिट है वो भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा और कैंसिलेशन के टाइम पर आप जो प्रॉफिट अर्न करोगे वो भी ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अब जिस समय इमीडिएट कैंसिलेशन करते थे तो लॉस होता था, तो ये लॉस आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से इसको रिटर्न ऑफ करते थे। टर्म याद रखिएगा रिटर्न ऑफ है, ट्रांसफर टर्म में यूज होता। ठीक उसी तरह से जब आप यहां कैंसिल करोगे तो ये कैंसिलेशन जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होगा। अगर इस पूरे चार्ट को आप ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तब तब यूज हुआ है क्लियर कट कि जब आपको लॉस हो रहा हो। किसी भी कंडीशन में अगर लॉस हो तो आपको सोचना ही नहीं है और उस लॉस को आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे आप यहां पर देखें कि अगर आपने इमीडिएट कैंसिलेशन किया लॉस हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है,
यहाँ कैंसिलेशन के केस में लॉस हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, रीसेल के केस में लॉस हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस इस जगह पर है कि अगर आपके पास कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और ये स्टेटमेंट पी एंड एल होगा। कब, किस कंडीशन में, जब हम लोग बेटा रीसेल कर रहे होंगे। अब इस चार्ट के ही यहाँ पे आपको एंट्रीज बताते हैं और उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है। एंड तक अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको इजी लगेगा और ये एक हॉट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग बेटा अभी जो टॉपिक करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आपको बता दें कि हमारा विजन वहां क्या होगा। हम उस जगह पे इंटरेस्ट वाला पोर्शन अभी रोक लेते हैं, इंटरेस्ट वाला पोर्शन नहीं कराते, कोई कॉम्बिनेशन टफ हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें रीसेल भी कर लेते हैं और कैंसिलेशन भी कर लेते हैं और मल्टीपल सारी एंट्रीज भी हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इनकी एंट्रीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या एंट्रीज हमारे पास हो सकती है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जैसे ही आप परचेज करते हैं ऑन द डेट ऑफ परचेज, तो ऑन द डेट ऑफ परचेज यहाँ पर पर्पज हमारा था इन्वेस्टमेंट इन ओल्ड डिबेंचर्स। अब बेटा ये जो परचेज हो रहा है, ये परचेजेस का पार्ट अगर आप यहाँ पर इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए यूज करते हैं, तो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए आपको वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। ओल्ड डिबेंचर टर्मोलॉजी में इन्वेस्टमेंट वर्ड को यूज नहीं करते, तो सिंपल एंट्री हो जाती है कि आपने यहाँ पे ओन डिबेंचर परचेज टू बैंक किया, मगर क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सो दैट द वर्ड इज यूज इन्वेस्टमेंट। तो बस यही इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। आफ्टर देन ऑन द डेट ऑफ द सेल, दो ही ऑप्शन आपके पास बताए थे कि या तो उसको आप सेल कर रहे हैं या फिर आप उसके बाद कैंसिलेशन कर रहे हैं रिटेन करने के बाद। अगर आप सेल करते हैं तो ये सेल एज एन एक एसेट के तरीके से होगा। तो एसेट जब आप सेल कर रहे हो तो मोस्टली अब कंपनी को अगर सेल करना है तो लॉस तो सेल करेगा नहीं, ऑप्शन होता है कि लॉस भी हो सकता है सेल के टाइम पर, मगर ये कंपनी बिजनेस ही कर रहा है तो प्रॉफिट अर्न करेगा, तो आपका जो पोर्शन रहेगा कवर अप करने का वो प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट पे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर यहाँ पर बाय चांस लॉस होता तो उसको हम लोग डेबिट कर देते, मगर लॉस का पोर्शन नहीं होता। और जो बेटा प्रॉफिट होगा उसको आप स्टेटमेंट पे ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहाँ पर सेकेंड एंट्री की वजह से प्रॉफिट जनरेट हुआ और प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के लिए। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए डिबेंचर परचेज करते हो तो ऑप्शन आपके पास में है, या तो आप उसको सेल करने के पर्पज में रख रहे हो तो ये एंट्री पास करोगे, और अगर सेल करने के पर्पज में नहीं है तब आप उसको कैंसिलेशन में जाओगे, और कैंसिलेशन के लिए आपके पास जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज डिबेंचर टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, और ये प्रॉफिट बेटा जो ट्रांसफर होगा वो आपका कैपिटल रिजर्व में होगा। तो इमीडिएटली आप देख लीजिए कि सेल का प्रॉफिट है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में होगा और कैंसिलेशन का प्रॉफिट जो कैपिटल रिजर्व के पार्ट में होगा। अब ये एंट्री का खाली इंट्रोडक्शन ही हम लोग करेंगे क्योंकि 2020 एग्जामिनेशन के लिए जो टर्म्स यहाँ पर है, देखिए आईएससी या सीबीएसई दोनों में परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो 2020 का पोर्शन है इसलिए इसको हम लोग डिस्कस यहाँ पर है। उसमें से नंबर वन मेथड हमारा है लंपसम मेथड। तो जो लंपसम मेथड का पेमेंट है जो एक फिक्स परसेंटेज पे होता है फिक्स टाइम पीरियड के बाद में, ये पोर्शन सीबीएसई में भी है और ये आईएससी 12th स्टैंडर्ड के लिए इंक्लूड है। देन सेकंड मेथड है इंस्टॉलमेंट मेथड। जब आप पोर्शन को इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो वो सीबीएसई में भी बेटा इंक्लूड है और आईएससी में भी इस पोर्शन को इंक्लूड कर दिया गया है। थर्ड पोर्शन परचेज इन ओपन मार्केट। परचेज इन ओपन मार्केट का दो पार्ट होते हैं, एक है इमीडिएट कैंसिलेशन और एक एज ए इन्वेस्टमेंट है। तो सीबीएसई में ना बेटा ये पोर्शन इंक्लूड है ना ये पोर्शन इंक्लूड है, मगर आईएससी में जो इमीडिएट कैंसिलेशन का पार्ट है इसको इंक्लूड किया गया है और एज ए इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन को पार्ट में नहीं रखा गया। और फोर्थ है कन्वर्जन इनटू शेयर्स, ये फोर्थ मेथड होता है, ये ना सीबीएसई में है ये ना ही आईएससी में। तो यहाँ पर मेरा पर्पस था आपको बताने का कि इन मेथड में से किन पोर्शन को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बुक्स में कई मेथड दिए हुए हैं और ये फोर्थ मेथड के अनसॉल्व भी होंगे, तो आपके पास टाइम भी कम रहता है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से आप काम करें कि आपके यहाँ सिलेबस में क्या पोर्शन दे रखा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फोर्थ मेथड जो कन्वर्जन ऑफ शेयर्स है उसको आपको पढ़ के नहीं जाना है, और जो थर्ड मेथड है
वो सीबीएसई वाले पढ़ करके नहीं जाएंगे। तो सीबीएसई में सिर्फ टू ही मेथड्स हैं, फर्स्ट आपका लमसम मेथड है और सेकंड मेथड आपका इंस्टॉलमेंट का है। इसका मतलब है कि सीबीएसई वाले पोर्शन में डीआरआर और डीआरआई की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और प्लस उनको इंटरेस्ट का पोर्शन यहाँ पे पढ़ना चाहिए। और आईएससी वाले में जब परचेज करने का पोर्शन होगा, ओपन मार्केट परचेज, तो उसमें से इमीडिएट कैंसिलेशन वाला पोर्शन खाली पढ़ेंगे और एज ए इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे।